सर हाइट थोड़ी परफेक्ट है, हाइट बोल रहा थोड़ी परफेक्ट है। चलो आ जाओ जल्दी विद इन चलो सिर्फ दो लोग दिख रहे हैं लाइव, चलो जल्दी आ जाओ सब फास्ट। अभी सिर्फ चार लोग हो रहे हैं, आज एक बहुत बढ़िया सी बात अपने आपके देखने वाले हैं। तब तक सब लोग हमारे जो ग्रुप के नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमारे जो ग्रुप के नंबर हैं, हमारे जो ग्रुप के नंबर है वो ग्रुप के नंबर को सारे लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ग्रुप के नंबर्स को, ग्रुप जो है जैसे आप सबको पता है एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, क्या एलिमेंट्स है फर्स्ट ग्रुप के? ह ली ना की रब से फरियाद, ह ली ना की रब से फरियाद। दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स है बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, हलीना की रब से फरियाद। दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर। चलो सब लोग भेजेंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल के सारे ग्रुप भेजेंगे मेरे को, ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के। चलो खुशी ने भेजे हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हलीना की रब से फरियाद। दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। उसके बाद 13 ग्रुप के एलिमेंट्स, पहले तो हम ये दो ग्रुप के एलिमेंट्स देखेंगे, तो उसके बाद कुछ बातें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है फजान्स रूल। दिस इज अगेन द टॉपिक फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, या स्पेशली एस ब्लॉक एलिमेंट्स को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसका काम गिरता है। टॉपिक का नाम है फजान्स रूल। सो यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द, वी आर डिस्कसिंग अवर टॉपिक, आज के हमारे टॉपिक का नाम है फजान्स रूल। बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं, बाकी बच्चे जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे, और सब लोग दोनों ग्रुप के, सिर्फ दो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ठीक है। यू नो वेरी वेल अबाउट द ग्रुप, ग्रुप वन के एलिमेंट्स आप सबको पता है, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स? ह ली ना की रब से फरियाद। ये फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम इसको नहीं लेते, जनरली हम इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ह ली ना की और हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी होती है, हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल कंसीडर किया जाता है। और इसलिए हम आज जो एलिमेंट्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो स्पेशली इतने एलिमेंट्स के बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ऑर्डर इन एलिमेंट का आप सब लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ठीक है। मी टाइम सांगतो बेटा प्रथमेश, हे पण लेक्चर तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे, तर हे पण केलं तरी, म्हणजे आता जर वेळ असेल तर करू शकता, आणि टायमिंग तोच आपला रोजचा बॅच टायमिंग। तो यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटॅशियम रुबिडियम अँड सीझियम, दिस इज ग्रुप वन, ह ली ना की रब से फरियाद, ठीक आहे। इसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेडियम भी रेडियो एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपको बार बार जो रिवाइज करने हैं वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो ये है बेरिलियम, ये है मैग्नीशियम, ये है कैल्शियम, ये है स्ट्रॉन्टियम और ये है बैरियम। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, दीज एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो ये दो ग्रुप के एलिमेंट, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है जिनको हम कहते हैं अल्कली मेटल, जिनको हम कहते हैं अल्कली मेटल। और ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन
अर्थ मेकर जिनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेकर। तो इन दिस वे वी हैव द टू ग्रुप, वन इज द अल्कली मेटल एंड अनदर इज अल्कलाइन अर्थ मेकर। ठीक है, तो ऐसे दो ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास है, वन इज द अल्कली मेटल एंड अनदर इज द अल्कलाइन अर्थ मेकर। तो अभी हम देखेंगे खजांच ग्रुप क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है दो टाइप के बॉन्ड, एक होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जैसे सोडियम है क्लोरीन है, आपको पता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन पूरा दे देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आता है 2-8-1, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक देना पड़ता है और इसको एक लेना पड़ता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड वी बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड दिस बॉन्ड इज अ विथ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करता है, तो शेयरिंग से जो बनता है बॉन्ड, उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो वन इज द आयोनिक बॉन्ड एंड अनदर इज द कोवैलेंट बॉन्ड। तो शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है आयोनिक बॉन्ड, बीच में आ रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड जो है, अगर इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहे हैं तो वो कोवैलेंट है, अगर पूरे एक ने पूरा लिया दूसरे ने पूरा लिया तो वो आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन देखेंगे तो वन इज द आयोनिक बॉन्ड, अनदर इज द कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जब क्या होता है कि जब कोई कटायन, तो कटायन जो होता है, कटायन मतलब जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है किसी भी एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट पॉजिटिव चार्ज इज एक्चुअली ऑन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। किसी भी एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट पॉजिटिव चार्ज इज एक्चुअली ऑन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। ठीक है, उस एटम के न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। और इसलिए पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा तब रहती है जब उसका साइज छोटा रहता है। हमेशा के लिए अपने दिमाग में ये बात ध्यान रख लेना कि पॉजिटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो कैसे रहेगी, स्मॉल कटायन। कौन सा कटायन? स्मॉल साइज कटायन। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल कटायन की इंटेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा। और जब ये स्मॉल साइज कटायन किसके कॉन्टेक्ट में आता है, लार्ज साइज एनायन। ठीक है, लार्ज साइज एनायन। अब लार्ज साइज एनायन को, क्योंकि एनायन जो होता है, एनायन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो एनायन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, एंड स्पेशली दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द मिशेल आउटर मोस्ट। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन लिया, तो पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-8-7 था, फिर क्या हो गया 2-8-8, क्योंकि उसने क्या एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया। जो एक्स्ट्रा का उसका इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, एंड सो इट कैरी बी चार्ज, निगेटिव चार्ज, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। और क्या होता है कि जब ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस एटम, जब ये एटम अलोन होता है, अकेला होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन दिस एनायन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कटायन, जब ये एनायन किसके कॉन्टैक्ट में आता है, कटायन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये कटायन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये कटायन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये कटायन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से, ये भी कटायन है, इसको भी थोड़ी सी मतलब उसके तरफ वो अट्रैक्शन महसूस करता है, और अट्रैक्शन महसूस करता है तो उसकी तरफ वो थोड़ा सा जाता है, और उसकी तरफ वो जाने की वजह से ये जो कटायन है, कटायन तो है, लेकिन ये जो अनायन है, इस अनायन का साइज ऐसा क्या हो जाता है, चेंज
अनायका साइज क्या हो जाता है चेन, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था विच वॉज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ये इलेक्ट्रॉन उसके तरफ क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन उसके तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन उसके तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन उसके तरफ क्या होने की वजह से, अट्रैक्ट होने की वजह से वो जो अनायन था वो अनायन का साइज थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो साइज ऑफ दिस अनायन चेंज, और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये पॉजिटिव। तो ये जो एनायन का शेप चेंज हो रहा है, ये जो एनायन का साइज चेंज हो रहा है ड्यू टू नियर बाय कटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सो व्हाट डू मीन बाय द पोलराइजेशन, डू यू अंडरस्टैंड, द चेंज इन द शेप ऑफ एनायन ड्यू टू नियर बाय कटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड पोलराइजेशन। तो कीप इन योर माइंड दिस थिंग, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कब होगा, जब कटायन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कटायन के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और कटायन के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब उसका साइज छोटा होगा, जब उसका साइज छोटा होगा, और इसलिए कंडीशन है। तो इसका साइज अगर छोटा है, साइज ऑफ कटायन अगर छोटा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ध्यान में रखेंगे, साइज ऑफ कटायन इज स्मॉल, ठीक है, साइज ऑफ कटायन अगर कैसा है, छोटा है, तो पोलराइजेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो साइज ऑफ कटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन, ध्यान में रखेंगे, साइज ऑफ कटायन अगर छोटा है तो उसके ऊपर के पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, उसके ऊपर के पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी तो यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। साइज ऑफ कटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन, बट ठीक है, तो साइज और वी कैन से पोलराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी डायरेक्टली नहीं, कैसा, इनवर्सली, पोलराइजेशन ज्यादा तो साइज ऑफ कटायन छोटा, सो पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन, ठीक है। सो फर्स्ट इज द दैट फर्स्ट कांसेप्ट वी हैव सीन, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन, तो दिस इज द फर्स्ट कांसेप्ट। सेकंड कांसेप्ट क्या है कि ये जो पोलराइजेशन है, दिस पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यों, क्योंकि अनायन जो है, अनायन का पोलराइजेशन ज्यादा कब होगा, क्यों, अगर मैंने स्मॉल साइज का अगर अनायन लिया तो स्मॉल साइज का अनायन जो रहेगा उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ बहुत अच्छे से पकड़ के रखेगा, और इसलिए उसको हवा लगने नहीं देगा, वो बार बार उनकी तरफ अट्रैक्ट होने नहीं देगा, वो उसको अच्छे से पकड़ के रखेगा। तो जब अनायन छोटा रहेगा तो उसका पोलराइजेशन मतलब उसका शेप चेंज इजीली नहीं होगा, लेकिन जब अनायन कैसा रहेगा, बड़ा, जब अनायन कैसा रहेगा, बड़ा, तो जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर रहेगा, और वो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होने की वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर के लोग इजीली क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट, क्योंकि घर वालों का उस पर कंट्रोल नहीं है, घर वाले इससे बहुत दूर है, इससे बाहर के लोग उसको इजीली क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट, इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब अनायन बड़ा रहेगा तब उसका पोलराइजेशन जल्दी होगा, तब उसका शेप जल्दी चेंज होगा, तो इसलिए पोलराइजेशन के लिए अनायन, पोलराइजेशन जब अनायन का साइज बड़ा तो पोलराइजेशन भी ज्यादा, एंड सो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ अनायन, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज
साइज ऑफ अन आयन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कॉन्सेप्ट को। चलो समझ रहा है, समझ रहा है तो लाइक करेंगे सब। चलो क्लास जल्दी। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एन आयन, एज द साइज ऑफ एन आयन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, एज द साइज ऑफ कटायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन डिक्रीजेस। अब पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, पोलराइजेशन की वजह से अगर हम देखेंगे तो पोलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड का क्या कहना है कि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने लिया, तो वो जो दिया हुआ एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन है वो पूरा दूसरे के इसमें होना चाहिए, इसके तरफ आना नहीं चाहिए, पूरा किसके तरफ होना चाहिए, दूसरे की तरफ, ये कहना है, ठीक है, किसका, दिस इज द कहना है कौन से बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड का। लेकिन अभी इस पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन उसको पूरा दे दिया गया था, जो इलेक्ट्रॉन उसको पूरा दे दिया गया था, वो इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ आ रहा है, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में आना, ये कौन सा कैरेक्टर है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन रखना, ये कौन से बॉन्ड का कैरेक्टर है, कोवेलेंट बॉन्ड का, मतलब जिसको आयोनिक बना दिया था उसके अंदर अभी दोनों के बीच में आने की टेंडेंसी फॉर्म हो रही है, सो मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर उसमें आ रहा है, मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है, मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कब होगा, कब ज्यादा आएगा, जब इसका क्या चेंज होगा, शेप, ये बीच में आएगा, बीच में आने की ही प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, पोलराइजेशन। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली, मतलब क्या होगा, वो बीच में ज्यादा आया, बीच में ज्यादा आया मतलब पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, और पोलराइजेशन हुआ मतलब उसमें कौन सा बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या बताएंगे हम, कोवेलेंट बॉन्ड को वो कैसा रहेगा, डायरेक्टली रहेगा कि इन्वर्सली रहेगा, अगर बीच में आया तो कोवेलेंट कैरेक्टर आया और पोलराइजेशन हुआ, सो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बीच कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, ध्यान में रखेंगे, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा सीसी से, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सीसी से, वेयर सीसी स्टैंड्स फॉर बीच कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, वेयर सीसी स्टैंड्स फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो वी हैव दिस वेरी गुड पॉइंट हियर, दैट इज द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, ध्यान में रखेंगे, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, अगर और उसके अंदर पोलराइजेशन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा था, लेकिन वो बॉन्ड तो एक्चुअली कौन सा बॉन्ड था, आयोनिक बॉन्ड, लेकिन अभी कोवेलेंट आ रहा है मतलब आयोनिक कम हो रहा है, तो जितना ज्यादा कोवेलेंट आएगा उतना आयोनिक कम होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयोनिक कैरेक्टर कम, सो इसलिए वो आयोनिक कैरेक्टर को कैसा मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये पोलराइजेशन की वजह से उसके अंदर का क्या हो रहा है, ये पोलराइजेशन की वजह से उसके अंदर का आयोनिक कैरेक्टर कम हो रहा है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक कैरेक्टर, ध्यान में रखेंगे, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विच कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर, इज इट, तो वी कैन हैव दिस पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, दैट आल्सो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विच कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक कैरेक्टर। बट इफ यू नो सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज विच बॉन्ड, कैन एनीवन अमंग यू टेल मी, दैट सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज अ आयोनिक बॉन्ड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज अ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अगर आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड की
स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है ठीक है तो यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर जो है वो आयोनिक कैरेक्टर जब ज्यादा रहेगा, आयोनिक कैरेक्टर जब कैसा रहेगा ज्यादा, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो एटम के बीच में, दो आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। जब आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा तो दो एटम के बीच में, दो आयन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कैसा रहेगा, ज्यादा। तो अगर दो एटम के बीच में, दो आयन्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा रहा तो क्या होगा इसमें, दैट इज द वीक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर। तो आयोनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा रहा तो उनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और उनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा क्योंकि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग है। तो समझो दोनों 50-50 है, तो हम नहीं बोल सकते कौन ज्यादा कौन कम, लेकिन आयोनिक 60 है और कोवेलेंट 40 है तो क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा। अब स्ट्रांग वाला बॉन्ड का कैरेक्टर उसमें ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो उनकी स्टेबिलिटी, कोई भी स्टेबल किसकी वजह से होता है, अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो अट्रैक्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी उसकी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। और इसलिए क्या होगा, उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आयोनिक कैरेक्टर। सो कीप इन योर माइंड, आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी। आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी। आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी। और हमें पता है जो डायरेक्टली आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए मैं थर्मल स्टेबिलिटी को काय के लाइन में लिखू, आयोनिक कैरेक्टर। जैसे आयोनिक कैरेक्टर, समझो आयोनिक कैरेक्टर कम हुआ तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, और इसलिए आयोनिक कैरेक्टर कम तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, और इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी मैं कहां लिख देता हूं, नीचे। थर्मल स्टेबिलिटी क्यों थर्मल स्टेबिलिटी नीचे लिखा, डू यू अंडरस्टैंड? तो थर्मल स्टेबिलिटी, आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो उनके बीच उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, और इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने के बाद वो कितना स्टेबल रह सकता है, दैट इज द थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा। और थर्मल स्टेबिलिटी के बाद और एक पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, दिस इज आयोनिक कैरेक्टर, दिस इज द थर्मल स्टेबिलिटी, एंड नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे एक बात आप ध्यान में रखेंगे, दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ज्यादा कब रहेगा, जब उसके अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे। अब यहां पे जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड ही होता है, और इसलिए क्या होगा, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आयोनिक की कोवेलेंट आयोनिक, तो आयोनिक ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग वाला फोर्स ज्यादा, और स्ट्रॉन्ग वाला फोर्स ज्यादा तो उसको हम इजीली मेल्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। और इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। सो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हिच कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कीप इन योर माइंड दिस कॉन्सेप्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज कॉल्ड फजान्स रूल, दिस इज कॉल्ड फजान्स रूल।
सो व्हाट इज दिस भजांस रूल, डू यू अंडरस्टैंड? तो भजांस रूल के जो नीट के, जेई के, सीटी के, बोर्ड्स के जो भी क्वेश्चन है, बोर्ड्स में तो 11 बोर्ड्स में आएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस और एस ब्लॉक के भी क्वेश्चंस आप इस भजांस रूल के भरोसे पे सॉल्व कर सकते हैं। तो वी हैव, दिस इज द वेरी गुड थिंग। तो सीधा सीधा आपको सिर्फ साइज ऑफ कटायन और साइज ऑफ एनायन देखना है, साइज ऑफ कटायन और साइज ऑफ एनायन देखना है, और उससे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज यहाँ पे सॉल्व करने, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है? साइज ऑफ कटायन, साइज ऑफ एनायन देखना है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बोलूं, तो यू नो वेरी वेल अबाउट द पोलराइजेशन, वी नो वेरी वेल अबाउट द पोलराइजेशन। तो ये जो पोलराइजेशन है, तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन, ठीक है? और अभी डायरेक्ट आपको अगर बोला, जो कैरेक्टर बोला उसके साथ वो आप देख लेना। अगर मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट और साइज ऑफ कटायन दोनों का है डिनोमिनेटर, मतलब दोनों सेम सेम है, मतलब साइज ऑफ कटायन और मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि सबका है नीचे, ये सबका है ऊपर, तो नीचे वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, नीचे वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। क्या कॉन्सेप्ट है? नीचे वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऊपर वालों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखेंगे। वंस मोर, नीचे वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऊपर वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें जो प्रॉपर्टी स्टडी करनी है वो कहाँ है, बराबर? वो प्रॉपर्टी जो स्टडी करनी है वो कहाँ है? वो अगर नीचे है तो नीचे वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर वाले को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मुझे थर्मल स्टेबिलिटी, अगर देखो एक दो प्रैक्टिस ले लेते, अगर मुझे थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है, थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी पहले पूछना कहाँ है, नीचे है ऊपर है? नीचे, तो नीचे वाला कौन है? साइज ऑफ कटायन। तो साइज ऑफ कटायन को नीचे वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो साइज ऑफ कटायन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन। समझे क्या? तो क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे सब बच्चे? नीचे वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? नीचे वालों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऊपर वालों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड? बोलो कहाँ है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? सबसे पहले देखना कहाँ है, चेक करो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ है, नीचे है ऊपर है? कहाँ है? नीचे। तो नीचे वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे वाला कौन है? साइज ऑफ कटायन। तो साइज ऑफ कटायन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ एनायन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए आपको ये दो तीन कैरेक्टर्स अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ठीक है? अब रह गया आयोनिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? आयोनिक कैरेक्टर। कहाँ है आयोनिक कैरेक्टर? देखना है नीचे है ऊपर है? आयोनिक कैरेक्टर कहाँ है? नीचे। तो नीचे वाला देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, मतलब साइज ऑफ कटायन छोटा तो आयोनिक कैरेक्टर कम, साइज ऑफ एनायन बड़ा तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा। समझ गए? तो इस तरह आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, नीचे वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? और लास्ट में कोवैलेंट कैरेक्टर। कहाँ है कोवैलेंट कैरेक्टर? नीचे है ऊपर है? चलो कुछ बच्चे गायब हो रहे, ठीक है? चलो वंस मोर,
कोवेलेंट कैरेक्टर काय आहे, नीचे है ऊपर है, दिस इज द विच कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर काय आहे, ऊपर है, तो ऊपर वाले को डायरेक्टली, नीचे वाले को डायरेक्टली, बराबर। तो इसलिए ऊपर है तो ऊपर वाले को कोवेलेंट कैरेक्टर ऊपर है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ एनआई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज ऑफ अटैम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द व्हाट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द फीस्ट रूल, फजान्स रूल, ठीक है। यू ऑल हैव टू राइट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी आपने लिखा होगा तो अच्छी बात है, तो लिखते रहो, नहीं लिखा होगा तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट निकाल लो, बाद में बढ़िया लिख लेना, ठीक है। या अभी भी कॉन्सेप्ट लिखना जरूरी है क्योंकि मैं अभी इन कॉन्सेप्ट को मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट तो भी सब लिख लेना है, ये कॉन्सेप्ट इन सबको लिख लेना है, ठीक है। पहला वाला कॉन्सेप्ट तो भी सबको लिख लेना है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ हजार सुन का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लिखता हूँ और उसके ऊपर आज हम बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, हजार सुन के ऊपर। तो यू नो वेरी वेल अबाउट हजार सुन क्या है, हजार सुन पोलराइजेशन, बोलो जल्दी, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, साइज ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन, एंड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बस ऐसा लिखना, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोलसी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट लर्न रखेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। चलो बोलो, समझो है तो बोलेंगे, लाइक ठोक देंगे, जल्दी जल्दी चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। वी आर सॉल्विंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस दैट ब्रिज रूल फजान्स रूल, ठीक है। फजान्स रूल के बेस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द फजान्स रूल। तो आपको यहां पे आयोनिक कैरेक्टर का ट्रेंड देखना है, तो आई एम राइटिंग हियर सम कटायंस, कैसे लिखेंगे आपको बताएं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, सेकंड ग्रुप के दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसलिए वो हैलोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाना है तो फर्स्ट ग्रुप के एक बॉन्ड बनाते हैं और सेकंड ग्रुप के दो बॉन्ड बनाते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट आपको बताएं कौन है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। लेकिन राजी हम इसलिए नहीं देते कि रेडियो एक्टिव है तो उसकी ज्यादा रिएक्शन हम देखते नहीं है। अगर मुझे इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है तो क्लोरीन कितने लगेंगे, क्योंकि क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, दो, और इसलिए इसको कितने लगाएंगे, दो, BgCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। अब ये आपको दिए हुए हैं और आपको बताने हैं ट्रेंड्स ऑफ आयोनिक कैरेक्टर एंड सेकंड आपको बताना है ट्रेंड ऑफ विच कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आपको आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर के यहाँ पे ट्रेंड बताने हैं, कौन से कैरेक्टर के, आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर के हमें यहाँ पे ट्रेंड बताने हैं। तो हाउ टू कम टू नो द ट्रेंड ऑफ आयोनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर हियर। सो सबसे पहले अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, पोलराइजेशन, पहले हम किसका ट्रेंड लिखेंगे, आयोनिक कैरेक्टर का ट्रेंड लिखेंगे, कौन से कैरेक्टर का, आयोनिक कैरेक्टर। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, कुछ बच्चे गायब हो रहे, यही इंपॉर्टेंट है, जेई में, नीट में, सीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनिक कैरेक्टर अमंग देम, ठीक है, ऐसे चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा, चुटकी में, ठीक है। फिजिकल का क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे 10 मिनट लगेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने, ये देख के बराबर सॉल्व कर देंगे,
देखे कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, मुझे आनी कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे ट्रेंड ऑफ आयोनिक कैरेक्टर सबसे पहले यहाँ पे देख लेना क्या सेम है क्या डिफरेंट है। यहाँ पे हैलोजन कैसे है, सेम है, मतलब हमें एनायन के बारे में डिस्कस करना नहीं है। किसके ऊपर डिपेंड करना है, कटायन, बराबर। और कौन सा कैरेक्टर देखना है, आयोनिक कैरेक्टर। अब आयोनिक कैरेक्टर और साइज ऑफ कटायन दोनों कहाँ है, नीचे। और कॉन्सेप्ट क्या है, नीचे वाला नीचे वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर। तो नीचे वाला नीचे वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आयोनिक कैरेक्टर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन। तो जिस कटायन का साइज छोटा उसका आयोनिक कैरेक्टर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये छोटा तो ये छोटा, ये बड़ा तो ये बड़ा। तो क्या बोलेंगे, जिसका कटायन का साइज छोटा उसका आयोनिक कैरेक्टर छोटा, ना कि दिमाग का दही करने का नहीं, सीधा सीधा, ठीक है। वंस मोर, जिस कटायन का साइज छोटा उसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे छोटा, बराबर। तो किसका कटायन, कौन से कटायन का साइज सबसे छोटा है, आपको पता है कि हमारा जो ग्रुप है बेटा मांगे का सुपर बाप, जैसे भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो ये कटायन सबसे बड़ा होता है और ये कटायन सबसे छोटा होता है। वंस मोर, जैसे भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो ये कटायन बड़ा होता है और ये कटायन छोटा होता है, बराबर। एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजेस, तो ये कटायन कैसा है, बड़ा, तो ये कटायन कैसा है, छोटा, ठीक है। तो ये सबसे छोटा, जो कटायन का साइज छोटा उसका आयोनिक कैरेक्टर कम, ये कटायन का साइज सबसे बड़ा तो इसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे बड़ा। और इसलिए सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर या सबसे छोटा आयोनिक कैरेक्टर इसका BeCl2, उससे ज्यादा MgCl2, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप ब्राजील BeCl2। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सीधा सीधा ध्यान में रखना है। अभी 17 कॉन्सेप्ट में एक ही कॉन्सेप्ट से चलेंगे और अलग अलग लिखेंगे। अगर आपको ये ऑर्डर समझाए तो सब लोग अच्छे से मतलब रिप्लाई करेंगे, लाइक करेंगे, और नहीं समझाए तो पूछेंगे। चलो, समझ गए सबको, दिस इज द विच कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर, BeCl2 का आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम है और BeCl2 का आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, ठीक है। BeCl2 का आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम है और BeCl2 का आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो दिस इज अबाउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, दिस इज अबाउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। सो आई एम राइटिंग हियर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड यू हैव टू टेल मी द आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। सो NaCl, NiNaCl, KCl, RbCl, CsCl, I want to know increasing order of ionic character, ठीक है, increasing order of ionic character। तो इसमें मुझे आप आयोनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, चलो आ गया सबका आंसर। तो क्या है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो एनायन कैसे है, सेम, तो डिफरेंट कौन है, कटायन, तो कटायन डिफरेंट है,
तो कटायन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, कटायन और आयोनिक कैरेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है, कटायन भी नीचे है आयोनिक कैरेक्टर भी नीचे है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को, एंड दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से क्या होगा, जिस कटायन का साइज छोटा, किसका साइज छोटा है, लिथियम, क्योंकि ये कौन से ग्रुप के हैं, लिथियम हली ना की रब से परिवार, तो इसका साइज छोटा है, इट इज स्मॉल साइज कटायन एंड इट इज द लार्ज साइज कटायन, तो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा होने की वजह से इसका आयनिक कैरेक्टर भी कम है, और इसका साइज सबसे बड़ा होने की वजह से इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, एंड सो इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो आज हमने भी यहाँ से दो ट्रेंड देखे हैं, कौन से कैरेक्टर के, आयोनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। तो डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस आयोनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर, इतना अच्छा इतना प्यारा टॉपिक चालू है और कुछ लोग गायब हो रहे हैं, ये बात आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, ठीक है, इतना प्यारा टॉपिक चालू है। सो दिस इज अबाउट द आयोनिक कैरेक्टर। सो हियर इफ यू सी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आयोनिक कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसमें है, BaCl2 फिर SrCl2, हियर इट इज CaCl2, ठीक है, ऑर्डर को लर्न रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्या करना है अप्लाई। डू यू अंडरस्टैंड, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, LiCl, LiBr और LiI, LiCl, LiBr, LiI, इनके बीच में मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, कौन सा कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, तीन मैंने लिए हैं और इनमें मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर मुझे यहाँ पे बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का। सो टेल मी हाउ विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, हाउ विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर हियर, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, चलो जल्दी बताएंगे, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू नो वेरी वेल व्हाट यू नो, यहाँ पे क्या सेम है, लिथियम लिथियम लिथियम, तीनों लिथियम है, मतलब तीनों सेम है, तो उनको देखने की जरूरत नहीं, जो डिफरेंट है उनको देखो, कौन है यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आयोडीन डिफरेंट है, ब्रोमीन डिफरेंट है और क्लोरीन डिफरेंट है, तो ये सब कौन है, हैलोजन, बराबर, हैलोजन कौन से हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दीज आर द हैलोजन, एंड यू नो एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि एक नई नई शेल ऐड होती जाती है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, और इसलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एंड साइज ऑफ आयोडीन इज लार्ज, बराबर, और इसलिए यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है, साइज ऑफ एनायन, और हमें कौन सा कैरेक्टर बताना है, कोवेलेंट कैरेक्टर, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ऊपर है, साइज ऑफ एनायन भी ऊपर है, और ऊपर वाले को कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, दोनों ऊपर वाले एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जब साइज ऑफ एनायन बड़ा रहेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा रहेगा, कौन से एनायन का साइज बड़ा है, कौन से एनायन का साइज बड़ा है, आयोडीन, तो इट हैज द लार्ज साइज, लार्ज साइज को मैं लिखूंगा LS, एंड इट हैज द स्मॉल साइज, ठीक है, इट हैज द स्मॉल साइज, तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, जिस एनायन का साइज बड़ा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कौन से एनायन का साइज बड़ा, LiI का साइज बड़ा, और इसलिए उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा,
तो इसलिए ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा एलआई आई का, उससे कम एलआई बी आर और सबसे कम एलआई सी एल। ठीक है, ये सारे ट्रेंड्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो एलआई आई का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, एलआई बी आर का कोवेलेंट कैरेक्टर उससे कम है और एलआई सी एल का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है। तो दिस इज अबाउट द व्हिच कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो अभी कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो और एक एग्जांपल दे देता हूं और आपको बताना है आयोनिक कैरेक्टर का ट्रेंड। आपको बताना है आयोनिक कैरेक्टर का ट्रेंड, यू हैव टू टेल मी द ट्रेंड ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर का ट्रेंड आपको बताना है। और ये एलिमेंट्स लिखते कैसे हैं, आपको सबको पता है जो भी ग्रुप के एलिमेंट्स लिख रहे हैं, पहला लीजिए हम लिथियम के ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स कौन है, ह ली ना की रब से फरिया। तो ली ना की रब से फरिया जाने दो, इसका मुझे आयोनिक कैरेक्टर का ट्रेंड बताना है, आयोनिक कैरेक्टर का ट्रेंड बताना है। चलो एक सेकंड के अंदर आंसर आ जानी चाहिए, सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसका। ठीक है, पहले तो देखना क्या डिफरेंट है, कटाइन डिफरेंट है कि अनाइन डिफरेंट है। पहले वाले जो रहते हैं वो कटाइन, दूसरे वाले जो रहते हैं वो अनाइन, तो कौन डिफरेंट है इधर, बीआर 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 बीआर। तो अनाइन कैसे है सेम, कटाइन कैसे है डिफरेंट, तो फिर जाएगा कटाइन के ऊपर। और कौन सा कैरेक्टर पूछा है, आयोनिक कैरेक्टर, दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिस कटाइन का साइज छोटा उसका आयोनिक कैरेक्टर कम की ज्यादा कम। तो किसका साइज छोटा, जो ग्रुप में पहले आता, कौन आता पहले, लिथियम, तो लिथियम का साइज छोटा बराबर, तो आयोनिक कैरेक्टर कम। फिर सीजियम का साइज बड़ा, तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा, तो सीजियम का आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। दिस इज द ट्रेंड ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, दिस इज द ट्रेंड ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। तो आयोनिक कैरेक्टर सीएसबीआर का सबसे ज्यादा है, आर बी आर का उससे कम है, टी बी आर का उससे भी कम है। ठीक है, एंड लास्ट ट्रेंड हम देखेंगे दैट इज ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। लास्ट जो ट्रेंड है दैट लास्ट ट्रेंड इज ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। लास्ट जो ट्रेंड है यहाँ पे दैट लास्ट ट्रेंड इज ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ये हो गया सबका। तो दिस इज अबाउट द विच कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये कौन सा कैरेक्टर हो गया, आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये आयोनिक कैरेक्टर है। तो आयोनिक कैरेक्टर के बाद मुझे आपको बतानी है थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आयोनिक कैरेक्टर्स के कुछ ट्रेंड है, इसके बाद हमें पढ़नी है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। यू नो वेरी वेल अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी आपको पता है नहीं पता, ठीक है, वी नो। आप यहाँ पे देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, सो ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। यू नो वेरी वेल अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी और क्या है, आयोनिक कैरेक्टर, दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या थर्मल स्टेबिलिटी और साइज ऑफ कटाइन कहाँ रहता है, नीचे, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
सो ध्यान में रखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विच कैरेक्टर साइज ऑफ कटर. थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटर. तो व्हाट रिलेशन वी कैन हैव, आई वांट टू नो द ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी. आई वांट टू नो द ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी. तो क्या रिलेशन है, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटर. तो जिस कटर का साइज छोटा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम, जिस कटायन का साइज छोटा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम. तो चलो जल्दी मुझे भेजेंगे ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी. चलो जल्दी इसका ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी मुझे बताना है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी. चलो हो गया ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा रहेगा, CSBR का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, RBBR का थर्मल स्टेबिलिटी, CSBR का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, RBBR का थर्मल स्टेबिलिटी उससे कम, KBR का थर्मल स्टेबिलिटी उससे कम, NABR का थर्मल स्टेबिलिटी उससे कम और LIBR का सबसे कम. तो क्यों, व्हाट इज द रीजन. ठीक है, CSBR का सबसे ज्यादा क्यों, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन. जिस कटायन का साइज छोटा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी कम, और इसलिए LIBR की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम. ठीक है, LIBR की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम और CSBR का कटायन का साइज सबसे बड़ा है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है. तो दिस इज अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी. तो व्हाट कॉन्सेप्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, मोर इज द थर्मल स्टेबिलिटी, मोर इज द विच कैरेक्टर साइज ऑफ कटायन, मोर इज द साइज ऑफ कटायन, मोर इज द थर्मल स्टेबिलिटी. तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द थर्मल स्टेबिलिटी. अगेन आई गिव यू वन एग्जांपल हियर, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 and BaCO3. ठीक है, तो आपको बताना है किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी जो अनायन है वो अनायन है CO3 डाय नेगेटिव आयन. यहाँ पे जो अनायन है, द अनायन इज CO3 डाय नेगेटिव आयन, और CO3 डाई नेगेटिव आयन से यहाँ पे होने की वजह से, CO3 डाई नेगेटिव आयन से यहाँ पे होने की वजह से दिस इज द रिच आयंस, CO3 डाई नेगेटिव आयंस. कौन से आयन से, ये CO3 डाई नेगेटिव आयंस. एंड एज दीज आर द CO3 डाई नेगेटिव आयंस, तो CO3 डाई नेगेटिव आयंस में दैट इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन. कौन से आयन, कार्बोनेट आयन. तो इस कार्बोनेट आयन में इनकी सबके सब कैसे है, सेम. तो यहाँ पे डिपेंड करेगी साइज ऑफ कटायन. कौन डिफरेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोन की कटायन डिफरेंट है. थर्मल स्टेबिलिटी एंड साइज ऑफ कटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जिसका कटायन छोटा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम. किसका कटायन छोटा है, जो पहले आता है बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा सबसे छोटा. तो बेटा का सबसे छोटा बेटा का साइज सबसे छोटा है तो बेटा की थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे कम. ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर. तो क्या होगा यहाँ पे, बेटा की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम. तो बेटा की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम. ठीक है, और BaCO3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा.
तो दिस इज कंस्ट्रेंट ऑफ हीट स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी. डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह आज के इसमें हमने ये टॉपिक देखा है. टॉपिक समझा है सबको? एक बार रिप्लाई करेंगे सब. तो जस्ट बिफोर वी हैव सीन हियर द सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द फजान्स रूल. ठीक है, फिजिक्स का रिकॉर्डेड लेक्चर आया है क्या? ठीक है, चलो समझाए सबको. समझाऊंगा तो वो लाइक बटन को दबा देना अच्छे से. ठीक है, चलो समझाए सबको. ठीक है, चलो वेरी गुड. ठीक है, तो चलो तानिया समझाए ना. तानिया चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. रिमेनिंग वी डिस्कस टुमारो. ठीक है, चलो टुमारो मतलब आज आपका और एक लेक्चर होगा. वो लेक्चर 3 बजे होगा. तो 3 बजे मैं आपको लिंक भेजूंगा. तो 3 बजे आपको प्रेजेंट रहना है. ठीक है, आपका और एक लेक्चर होगा 3 बजे. तो 3 बजे आपको प्रेजेंट रहना है. चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. रिमेनिंग वी डिस्कस टुमारो. चलो बाय बाय. ठीक है, सब प्रेजेंट रहेंगे. ओके.